अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पेट्स केयर एंड इन्फो। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से जो है मेरी बात हो रही है बजीज के हवाले से और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों मैं बहुत मसरूफ़ था, इस वजह से इनकी वीडियोस भी नहीं बना सका, क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इनकी जो है इतनी अच्छी प्रोग्रेस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी घर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उस फ्लोर पे जो है कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो मज़दूरों की चलती रहती है, फिर कभी पिंजरा उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो इस शिफ्टिंग के दौरान जो है एक दफ़ा जो है कुछ पेयर्स ने अंडे बाहर भी फेंक दिए, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आई और मुझे मेरे 5 पेयर्स ने, जो कि मैंने आपको इससे पहले अपनी वीडियोज़ में दिखाया भी था, उन 5 पेयर्स ने मुझे 40 से 45 जो है पीस करके इन्होंने मुझे बच्चे प्रोवाइड करे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इनको इतना डिस्टरबेंस के बाद भी इन्होंने मुझे 40 से 45 बच्चे करके दे दिए, बहुत उम्मीद ही नहीं थी इस बात की मुझे। बहरहाल इसका जो क्रेडिट ज़्यादातर जाता है वो एक तो पेयर्स को जाता है और दूसरा सॉफ्ट फूड को जाता है। सॉफ्ट फूड में जो बिल्कुल सच बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इनको हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार दिए, और क्या दिया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने एक दिन इन लोगों को हरा धनिया, एक दिन छोड़ के या बिल्कुल अगले दिन ही जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैंने इनको बॉयल चावल, और इसके अलावा मैंने इनको कभी कभार जो है वो सर्दियाँ थी उस टाइम ज़्यादा, तो मैं इनको उबला हुआ गंदम देता था, रात को गंदम भिगो देता था और सुबह में मैं इनको जो है वो 5 से 10 मिनट उबाल के वो गंदम प्रोवाइड करता था और फिर मैं चला जाता था, इनको बिल्कुल भी नहीं देखता था। उसके बावजूद इन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्रेस मुझे कर दी है, तो मैं आप लोगों को अभी क्लोज़अप करके भी दिखाता हूँ कि इन लोगों के जो है बजीज के प्रोग्रेस किस तरह की आई है और इनके कलर्स क्या निकले हैं। अब मैं इन 40 से 45 पीस जितने भी मेरे पास हैं इन सबको मैं कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा। उस कॉलोनी में शिफ्ट करने के बाद मैं इन्हीं 40-45 पीस से 150-200 पीस बनाऊँगा और वो भी आप लोगों से वक्तन फवक्तन जो है वो शेयर करता रहूँगा। जिस कॉलोनी में मेरे पास कॉकटेल थे वो भी मैंने वहाँ से जो है सेल आउट कर दिए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मज़दूर जो हैं वो आते जाते झांकते हैं, तो वो जो बहुत डिस्टर्ब होते थे, इधर से उधर उड़ते थे, जबकि उनकी प्रोग्रेस भी जो है वो सही थी, लेकिन मजबूरन जो है मुझे उनको यहाँ से हटाना पड़ा और सेल आउट करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था उनको। तो सिर्फ मैंने जो अपने पास बजरीज रोके और कुछ लुटीनों के 2 पेयर हैं, ठीक है, मैंने वो रोक लिए। उसके बाद जो है अब मैंने सोचा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परिंदे लाता जाऊंगा और आप लोगों से भी शेयर करता जाऊंगा। और अब तो मेरे पास काफ़ी जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब ये मेरे पास टोटल जो है वो छत आ गई है, ठीक है। अब मैं इसमें अपना आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो फार्म नुमा इसको एक शक्ल देता रहूँगा, इस पर एक मास्टर केज बना के फिर अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केजेस रखूँगा, फिर डिफरेंट जो है वो परिंदे लेकर आऊँगा, तो आप लोगों को भी जो है वो इस बारे में अपडेट करता रहूँगा। और अब मैं आप लोगों को जो है इनके जो जितने भी बच्चे निकले हैं उनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि कितने माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं मेरे पास इस वक्त आउटपुट आए हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जो ब्रीड आई है ये आप लोगों के सामने है, ये माशाल्लाह इनके कलर्स देखिए, इनके साइज़ देखें, इनमें कुछ बच्चे जो हैं वो 1.5 से 2 महीने के हैं, कुछ जो हैं 4 महीने के हैं, ठीक है। ये सारे पट्टे अब मैं जमा करके और इन्हीं से जो है मज़ीद आगे जो है ब्रीडिंग लूँगा और इन्हीं से जो है मैं आगे अपने जो है वो सेटअप को बढ़ाऊँगा। अब मैं मज़ीद जो है इनसे फ़िलहाल अब शायद ब्रीड ना लूँ, अभी मेरे पास एक पेयर ने एग्स दिए हैं, वो मैं आप लोगों को अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ बस, और बाकियों की मैं हांडी जो है मटकी हटा दूँगा, क्योंकि अब जो है थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और सॉफ्ट फूड मैंने अभी इन लोगों को सुबह डाला था, ये देखिए सॉफ्ट फूड में सिर्फ मेरे पास जो है अभी गंदम पड़ा हुआ है और मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया। तो ये प्रोग्रेस है दोस्तों आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मैंने बजीज के पट्टे जो हैं अपने पास रोके हुए हैं और इन्हीं से मैं अब आगे ब्रीड लूँगा। इसके अलावा जो है मेरे पास ये एक पेयर लुटीनों का है, इसके 2 बच्चे जो हैं मैंने आगे किसी को दे दिए हैं और इनका एक बच्चा जो ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसकी जो है चोंच में थोड़ा सा डिफेक्ट है। उसकी वजह कुछ ये है कि मैं आप लोगों को बताया मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये जब छोटा था इसके बीक में जो है इसकी चोंच में इनकी बीट फंस गई थी, तो मैंने काफ़ी दिनों बाद निकाली, जिसकी वजह से इसकी चोंच जो है वो इस तरह से थोड़ी टेढ़ी हो गई।
इसके अलावा जो एक पेयर मेरे पास है वो ये है, इसके दो बच्चे जो हैं ये बाहर भी आए हुए हैं, ठीक है, और इसकी मादी जो है वो दोबारा जो है वो नेस्ट बॉक्स में है, ठीक है, इसने शायद जो है वो ब्रीडिंग की हुई है। ये देखिए, ये इसके दो बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं, ये भी बेचारे उसी डिस्टर्बेंस में रहे और फिर भी इन्होंने जो है मुझे ब्रीडिंग प्रोग्रेस करके दी है। ये देखिए, इसके दो बच्चे साथ हैं और ये मेल बाहर बैठा हुआ है, इसकी फीमेल जो है वो दोबारा से शायद एगलिंग करी हुई है। और कुछ पेयर्स दोस्तों ये मैंने इन्हीं पट्टों के हैं जो थोड़े से उम्र में बड़े थे, वो मैंने अपने पास इस तरफ जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, इनके मैं जो है वो पेयर वगैरह लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत ज़बरदस्त साइज़ के हैं, ठीक है। ये फीमेल, ये थोड़ा बैठे हैं तो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। ये देखिए सामने मेल, ये रेनबो कलर का मेल है, स्पेंगल में ये रेनबो है। इसके साथ में जो है बजरी का आप मेल देखिए, उसका साइज़ देखिए, बेहतरीन साइज़ के मेरे पास इस वक्त बजरीज मौजूद हैं, जबकि नॉर्मल हैं, ठीक है, इसको लोग अंडर साइज़ भी कहते हैं, मेरे पास जो है ये नॉर्मल से ही निकले हैं। मैं इनको जब बचपन में छोटे होते हैं तो इनको सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करवाता हूँ, तो इनकी जो है वो हेल्थ वगैरह साइज़ जो है वो अच्छा गेन होता है, और प्लस जो है इनको उड़ने के लिए भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये साइज़ अपना अच्छा बना लेते हैं। ये मेल देखिए आप, ये मेल फीमेल जो सामने बैठे हैं, बेहतरीन साइज़, बेहतरीन कलर, ये भी रेनबो में है, ठीक है। इसके अलावा एक पेयर ये है, ये स्पेंगल का मेल है, ये मेरा पुराना जोड़ा है, ब्रीडर जोड़ा है, ठीक है। इसके साथ मैंने जो फीमेल लगाई हुई थी अब वो मैंने किसी और मेल के साथ लगा दी है, और इसके साथ जो है ये बराबर में मेरे पास रेड आई का मेल है, इस रेड आई के मेल की फ़ीमेल मैंने इधर लगा दिया इस स्पेंगल के मेल के साथ, और इसके साथ जो है मैंने एक अभी पट्ठों में से मादा तैयार हुई थी मैंने वो डाल दिया। अभी लॉकडाउन की वजह से घर में है तो इन पर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, मेल फीमेल वगैरह एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं इधर से उधर, और इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देख लेते हैं। अभी इन्होंने जो है शायद अंडे दिए, मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो 5 अंडे थे, और प्रोग्रेस जो है अभी देख लेते हैं इसकी। अब 5 अंडों में से माशाल्लाह आप देखिए कि इन्होंने एक बच्चा भी हैच करके दे दिया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप चलते हैं नीचे, नीचे जो है यहाँ पर मैंने एक ये रेनबो का मेल पुराना है मेरा, ये फीमेल भी पुरानी है, इसके साथ का ये मेल ये भी पुराना है, और वो फीमेल ये जो रेनबो की सामने बैठी हुई है ये ऊपर स्पेंगल के मेल की फीमेल है, ठीक है। इसको मैंने अब जो है वो रेनबो का दूसरा एक मेल था उसके साथ डाल दिए, ठीक है, ये एक्सचेंज मैंने करा है। अब इनका जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है वो आप लोगों से आगे चल के शेयर करता रहूँगा मैं। ये देखिए ब्यूटीफुल कलर्स के मेरे पास तब जो है वो कलेक्शन मौजूद है, और आगे भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो प्रोग्रेस और कलर्स मेरे पास जो हैं वो आते रहेंगे। तो दोस्तों अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं इसी जगह पे, ठीक है, और मज़ीद जो है मैं जब इन लोगों को अभी कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा फिर आप लोगों से जो है इसकी प्रोग्रेस शेयर करूँगा। अब इसमें मैं आगे चल के अभी थोड़ा एक डेढ़ महीने बाद इसमें जो है अपने मक्खियाँ लगाना शुरू करूँगा इनको कॉलोनी में शिफ्ट करने के बाद, और फिर आप लोगों के साथ इनकी जो है वो प्रोग्रेस वगैरह मैं शेयर करूँगा कि इनकी क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस बनी, ठीक है, इन्होंने क्या मुझे रिज़ल्ट दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से रहें, ठीक है, कोरोना वायरस से बचे रहें, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।